अगली बड़ी खबर रीवा से हमारे पास आ रही है, जहां सांसद नंद कुमार चौहान के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि 3 से 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। छुट्टी पर घर आया था ड्राइवर सुनील तिवारी। मनगवा थाने के दीप गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी ये मिल पा रही है कि छुट्टी मनाने के लिए ड्राइवर घर आया हुआ था। तीन से चार बदमाश रहे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के ड्राइवर को। मनगवा थाने के देव गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। सांसद के ड्राइवर को गोली मार दी जाती है, उसे मौत की घाट उतारा जाता है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 बदमाश रहे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, रीवा में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के ड्राइवर को गोली मार दी गई, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है, क्या रहा है पूरा घटनाक्रम? सुनील जी, ये नंद कुमार चौहान जो लोकसभा सांसद हैं, उनका ड्राइवर सुनील तिवारी छुट्टियों में घर आया हुआ था और वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसी दरमियान जो अन्य बदमाश हैं उन्होंने गोली चालन की घटना कर दी और गोली जाके उनके ड्राइवर को लगी। और अभी जो तत्काल जानकारी आ रही है कि संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील तिवारी की मौत हो गई है और जो गुस्साए परिजन हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं सुनील जी। लेकिन अगर यहाँ पर सवाल वही सामने आ रहा है, एक बार फिर अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, तो कानून व्यवस्था के द्वारा क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है इस पूरे ही मामले को लेकर? छुट्टी पर अगर कोई व्यक्ति घर आता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या ये कहा जा सकता है योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, ये जांच का विषय है। जिस तरीके से पूरी घटना हुई और घटना के दौरान गोली चालन हुई और उस दरमियान सुनील तिवारी को गोली लगी, सुनील जी आपको बताना चाहेंगे कि जो ये बदमाश है ये कोरेक्स का धंधा करते, ऐसी जानकारी आ रही है। मनगमा थाना क्षेत्र में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो थाना प्रभारी हैं उनके रहते अभी कई कई घटनाएं हो चुकी हैं, लूटमार घटनाएं हो चुकी हैं, गोली चालन की घटनाएं हो चुकी हैं सुनील जी, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहे हैं। अभी जो जानकारी आ रही है कि जब गोली चालन की घटना हुई और इन सुनील तिवारी को गोली लगी, उस दरमियान सूचना देने के बावजूद भी घंटों पुलिस और मौके पर नहीं पहुंची, घटना स्थल पर नहीं पहुंची, परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से परिजन अपनी वाहन से अस्पताल लेके पहुंचे हैं, लेकिन कोई पुलिस का जो जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, और निश्चित तौर में बड़े सवाल खड़े होते हैं सुनील। लेकिन सुशील, यहाँ पर ये भी अगर सांसद की हम बात करें, नंद कुमार सिंह चौहान का ये ड्राइवर रहे, और क्या कुछ अभी तक बयान उनके सामने आए हैं कि इस मामले को लेकर नंद कुमार सिंह चौहान ने अभी तक कोई अपने रिएक्शन दिए? देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है खाली इतनी जानकारी आ रही है कि वो नंद कुमार चौहान जी का ड्राइवर था, रीवा के मनगमा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो छुट्टियों में आया था। और बताया ये जा रहा है कि बहुत ही सरल बहुत ही शांत स्वभाव का ये युवक था और लोगों का ये कहना है कि अक्सर मिलनसार था। और ये भी बताया जा रहा है कि नंद कुमार चौहान के साथ वो लंबे समय से उनके साथ रह रहा था। अभी इसकी जानकारी नंद कुमार चौहान को हुई या कि परिजनों के माध्यम से हो सकता है जानकारी हुई, निश्चित तौर में बड़ी दुखद घटना है सुनील। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।